नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। सबसे बड़ी वजह के पाठक की सुर्खियों में बने रहने की है उनके आदेश। आपको मालूम है कि आए दिन के पाठक नए नए आदेश भी निकालते रहते हैं, कभी शिक्षकों के लिए, कभी बच्चों के लिए, तो कभी कोचिंग संस्थानों के लिए। के पाठक लगातार आए दिन नए नए आदेश निकालते रहते हैं और अब के पाठक का डंडा सरकारी स्कूल के शिक्षकों की छुट्टी पर चल गया है। आपको बता दें कि अभी से लेकर दिसंबर तक 23 छुट्टियां थी, जिसे घटाकर अब सिर्फ 11 छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे अब शिक्षक काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों में भारी नाराजगी है इस आदेश के बाद से और अब शिक्षक संघ भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी इस पर अपनी कड़ी टिप्पणी दी है और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया है। क्या कुछ है उसमें, आइए आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा रक्षाबंधन सहित अन्य छुट्टियों की कटौती पर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भारी नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव को फोन कर कहा कि शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रक्षाबंधन के लिए 31 अगस्त को अधिसूचित अवकाश को रद्द कर नियमों का उल्लंघन कर रही है। ये एक गंभीर और संवेदनशील मामला है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्य सचिव को कहा कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए सैकड़ों वर्ष पुराना नियम है कि इनके शिक्षकों को सेवाकाल में वेकेशन मिलता है और बाकी के सरकारी कर्मचारियों के लिए नन वेकेशन अवकाश की व्यवस्था है। इसीलिए विद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों तथा बच्चों को बहुत पहले से ही वकेशन और नॉन वकेशन अवकाश मिलते रहे हैं। इसमें कटौती करना अनुचित है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा है कि इस पुराने नियम का उल्लंघन करने से छात्र छात्राओं, महिला शिक्षिकाओं एवं अपने जीवन के सांस्कृतिक पर्वों त्योहारों के प्रति आस्थावान लोगों के मन में भारी आघात पहुँचेगा। राज्य के करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे आदेशों को शीघ्र रद्द करने का आदेश जारी करें, अन्यथा राज्य में इसका व्यापक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव। देखिए, बड़ी अपील कर दी है, साफ साफ कह दिया है कि इस आदेश को फौरन ही रद्द किया जाए। आपको मालूम है कि रक्षाबंधन के दिन भी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। आपको मालूम है, देखिए, हम लगातार वीडियोस कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आखिर इस आदेश पर शिक्षकों की राय क्या है। और आपने देखा कि अब शिक्षक काफ़ी नाराज हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। और अब देखिए, शिक्षक संघों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद जी ने भी बड़ी बात कह दी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।